जी कैसे सभी लोग। होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच सभी कलर रिस्पॉन्स के वीडियोस पे। आज की वीडियो स्पेशली जैसे आपको शुरुआत में शॉर्ट्स दिखाए थे मैंने फॉर्च्यूनर के बारे में, उसको पूरा का पूरा हमने टाइप वन को टाइप टू में कन्वर्ट किया। उसके लिए जी साहिब भैया के पास आया फिर से कार बीटी में। भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये आज एकदम फॉर्च्यूनर हमने तैयार किया है, टाइप वन को टाइप टू में कन्वर्ट किया हमने। नहीं, ये हमने किया 2008 मॉडल टू 2015 मॉडल में इसको कन्वर्ट किया। 2008 इसको सब मैं बारीकी से समझाऊंगा, मतलब डीपली समझाऊंगा आपको। हमने इसका बंपर क्या हर एक चीज प्रॉपरली हमने बाहर से चेंज करी है, सब चेंज कर दिया, अंदर से भी चेंज करी है। ठीक है, तो इसलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सारी डिटेल्स दूंगा, स्किप मत करना वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट हम फ्रंट से करेंगे इस गाड़ी के। देखो फ्रंट बहुत ही प्यारा फ्रंट तैयार किया हमने। लास्ट वाली वीडियो में ऊपर क्लिप पे डाल दूंगा कि 2008 में किस तरह थी और अभी हमने 15 वाला मॉडल कन्वर्ट किया ना। इसमें हमने हेडलाइट्स भी चेंज करी हैं, ओके, बम्पर भी चेंज किया, इसका फेंडर भी हमने प्रॉपरली चेंज किया। मतलब आप देख सकते हो ओवरऑल गाड़ी आपका फ्रंट आप पहचान नहीं पाओगे 2008 है या 2015 है। बिल्कुल जी, इसका प्रॉपरली जैसे बोनट स्कूप ओरिजिनल जैसे की तरफ से क्रोम लगा था, ओके, ये भी सब हमने तैयार किया। आप देख सकते हो इसकी बम्पर की फिटिंग, इसका क्रोम, इसका फॉगलाइट, ये सब कुछ हमने नया फिट किया, हमने सारा फिट किया। अगर बात करें भी जो लाइट्स वगैरह वो कौन कौन सी हमने फिट की, हमने इसमें MPX की ही डाली है 130 वॉट्स की, हमने इसमें HIDs डाली है और फॉगलाइट्स में हमने इसमें 130 वॉट की LEDs डाली है। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको मैं इसका हाई बीम भी चला के दिखा देता हूँ। देखो इसका हाई बीम इस टाइम चल रहा है, काफी अच्छी लाइट्स की इसकी जो क्लैरिटी आपको ज्यादा काफी मिल जाएगी। तो इसमें हमने एक रूट्स के हॉर्न भी फिट किए हैं, ओके, आपको ग्रिल के थ्रू पता लग रहा होगा, पता लग रहा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ओवरऑल लुक वाइज इसमें फेंडर मिरर भी हमने प्रॉपरली फिट किया। ठीक, आप देख सकते हो पेंट वगैरह सब कुछ करके आपको लग नहीं रहा होगा कि आपने आफ्टर मार्केट कोई गाड़ी आपने कराई, आपको ऐसा लग रहा है आपकी कंपनी की तरफ से क्या चीजें। ऐसी गाड़ी को अगर तैयार कराना किसी ने कितना टाइम आप लोगे? हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 या 15 दिन लेते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आप गाड़ी को तैयार करके आपको मिलेगा। जैसे सर्दियों का टाइम है, पेंट सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर गर्मियों का टाइम हम 5-6 दिन में भी गाड़ी तैयार करके दे देते हैं। इस टाइम ठंड के कारण इसको पेंट को सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और भी जितना भी हमने क्रोम वगैरह सारा लगाया है ये सारा हमारा अपना यूज हुआ है। इसकी फ्रंट ग्रिल हो गई, इसका बम्पर हो गया, उसका बोनट हो गया, मतलब एवरीथिंग हमने सब चेंज करा है। सब ठीक है जी। आप इसके फेंडर की देख सकते हो कलर तक इनके हमने मैच करा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बाहर से लगवाया, आपको ऐसा लगेगा कंपनी की तरफ से बोल रहा आपको फिट हो गया। जैसे हम ना क्रोम के बारे में बताते हैं कि हमारे 3 इयर्स की गारंटी वगैरह है, इसका भी ऐसा है? सेम ऐसा ही, हमने प्रॉपर टोयोटा का ही हमने लगाया है। ठीक है, ओरिजिनल क्रोम लगाया है, इसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है क्रोम में तो हम इसको पीस चेंज करके देंगे। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, साइड पे चलते हैं। साइड वाली साइड में हमने इसमें साइड स्क्रूज लगाए हैं, ओके। पुरानी वाली 2008 मॉडल में क्या होता था, आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में इंडिकेटर आता है। बिल्कुल जी, हमने ये भी चेंज किया और ये वाला इंडिकेटर हमने मिरर पे लगा दिया, इसके मिरर भी चेंज। ठीक है जी, वो फिर मिरर चेंज हुए क्योंकि बहुत लोगों को आजकल ट्रेंड है कि मिरर के ऊपर इंडिकेटर होते हैं, ज्यादा सुंदर लगता है। हाँ, तो वो वाली चीज हमने यहाँ पे करके दी हुई है। अभी इस गाड़ी की हम कंपाउंडिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसलिए आपको प्रॉपरली फिनिशिंग इसमें नहीं नजर आ रही होगी, हमने भी फिनिशिंग करनी है। बिल्कुल, तो इसलिए हम आपको इसकी गाड़ी का लुक थोड़ा ठहर के भी देंगे। राइट जी, इसमें मिरर्स आ गए, मिरर्स भी प्रॉपर इंडिकेटर वाले जो 2015 मॉडल्स में आते हैं। ठीक है, और इसमें हमने ग्लॉस ब्लैक ये भी किया हुआ है, ये प्रॉपरली इसको बोलते हैं साइड फुटरेस्ट। ओके, फुटरेस्ट को हमने पूरा ग्लॉस ब्लैक किया है, यहां पे अच्छी तरह से पेंट हुआ हुआ है वाला। एग्जैक्टली, उसके बाद आगे इसके क्रोम हैंडल। क्रोम हैंडल होता है तो आपके चिपक जाते हैं। बिल्कुल, आप ये देखो इसके अंदर वगैरह सब कुछ इसमें ओरिजिनल, मतलब हैंडल ही पूरा क्रोम का लगा दिया हैंडल क्रोम, हमने कोई कवर नहीं लगाया। एग्जैक्टली, प्रॉपर हैंडल क्रोम लग रहा है। और सेकंड थिंग इज इसके रूफ रेल, आप रूफ रेल देख सकते हो, इसके भी हमने प्रॉपरली ग्लॉस ब्लैक किया है। ठीक है, ये पहले नहीं आती थी भैया? पहले नहीं आती थी, इसको भी हमने ग्लॉस ब्लैक किया। आप एक चीज देख सकते हो साइड, ये भी जो सी चीज है ये भी हमने नई फिट करी है, ओरिजिनल टोयोटा की, प्रॉपर ओरिजिनल टोयोटा की। और भी जो पेंट है इसकी भी कोई गारंटी हम देंगे? हाँ, पेंट की भी हम गारंटी देंगे। पेंट भी बहुत तरह के यूज होते हैं, ये ओरिजिनली पेंट हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, जब आपको वीडियो पे भी आप अगर कभी जूम करके भी देखोगे आपको ये नहीं लगेगा अभी आफ्टर मार्केट आया या कैसे भी आया, आपको प्रॉपरली ये लगेगा भी ओरिजिनली पेंट है। बिल्कुल, आप कभी भी ये चीज गाड़ी को देख के, चलो वीडियो में भी आप देख रहे हो, अब ये चीज नहीं सोच सकते भी इस गाड़ी को पेंट भी हुआ हुआ। ओके, ऐसा लगेगा भी ये गाड़ी 2015 मॉडल ही, आपको ये नहीं लगेगा 2008 से 2015 में कन्वर्ट किया गया, इसका पेंट को ही देख के पता चल जाएगा। चलो ठीक है जी, अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। हम इंटीरियर की तरफ देखते हैं, आप चीज देखो आपको लुकिंग से ही पता चल जाएगा अभी हमने क्या कुछ रेडी किया हुआ। बिल्कुल, ये देख लो, साइड से शुरुआत करें तो दिखाता हूँ आपको मैं, हमारी एम्बेड लाइटिंग आ गई, लेदर भी हमारा लगाया हुआ है, लेदर भी हमने दोबारा लगाया, तो यहाँ पे पूरा ग्लॉस ब्लैक, इधर हमने इसको जो बटन हमारे साइड वाले आते हैं उसको पूरा ग्लॉस ब्लैक हमने किया हुआ है इस टाइम पे। देखो
उसके बाद अगर इंटीरियर की तरफ देखो आ जाते हैं आप, पहले चलो हम अब एम्बियंस की बात कर लेंगे, क्योंकि डोर में सबसे ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा आइटम हमारी बिक्री है वो है एम्बियंस लाइट। इसमें देखो हमने एक एम्बियंस लाइट ये लगाई है, आप देखो इसमें प्रॉपरली हमने ग्लास होल्डर्स में भी लगाई है, रात को बहुत अच्छी लगेगी व्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने पैरों में भी लगाई है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फुट लाइट में भी, फुट लाइट के अंदर भी आपको एम्बियंट लाइट आ जाती है। और आपको मैं कोशिश करूंगा कि हम रात वाला शॉट भी एक और दूर इस गाड़ी का दे देंगे ताकि और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाए। अंदर की बात करें, अंदर भी लेदर का काम हमारा, लेदर का, लेदर की सीट के ऊपर ऑटोफॉर्म गई, लेदर के ऑटोफॉर्म के 90 मैट्स वो प्रॉपरली डले हैं, इसको आगे दिखा देते हैं। प्रॉपर अच्छी ग्रास है, जैसे हम हर बार दिखाते हैं आपको, ये ग्रास क्वालिटी चेक करो, ये क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली, देखो ये पूरी क्वालिटी। आप नॉर्मल मैट्स अपने 70 देखेंगे, उससे कंपेयर कर लेना एक बार खुद ही देख के। और इसके मैट्स की हम 2 साल की गारंटी देते हैं, सीट कवर के ऑटो पंप की हम 3 साल की गारंटी, 3 ईयर्स की गारंटी तक इसकी सीट कवर की आपको मिल जाती है। और आप एक चीज नोट करो, ये प्रॉपरली हमने लेदर का स्टिच किया है फॉर्च्यूनर का, आप देख सकते हो भी इसके टॉप मॉडल में भी सेम ये स्टीयरिंग कवर प्रॉपर मैचिंग इस चीज के साथ जो उसका प्लास्टिक कंपनी दे रही है उसी के साथ मैच करते हुए हमने इसमें स्टीयरिंग कवर भी लगाया। और ये लगता नहीं कि स्टीयरिंग कवर लगा हुआ, कि इतनी नीटली इसको हमने लगाया हुआ। अब बात अच्छी तरह से आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद जी यहाँ पे हमारी गियर नोब्स देख लो, इन पे प्रॉपर भी ये लेदर भी हमारे नया लगा, ये लेदर कंपनी का ही है, हमने ये लेदर नया लगाया क्योंकि इनका लेदर ये फट गया, इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। स्टिचिंग देख लो कितनी ही नीटली और सही तरह यहाँ पे लगी हुई है, देखो मतलब इससे पता लग जाता है हमने कितना साफ सुथरा काम किया हुआ है। प्लस भी प्लेयर भी हमारा नया लगा है, देखो प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक में हमने इसमें फिट किया है, प्लेयर भी हमारा मेड इन ताइवान वाले लगा है जिसमें आपको दिखाया गया था फ्रंट कैमरा, फ्रेम भी नया है इसका, ये वाला फ्रेम मैंने इसका नया लगाया, ठीक है जी। देखो प्रॉपर 4K कैमरा इसके अंदर आपको इंस्टॉल होकर मिल जाता है, आगे फ्रंट कैमरा भी आपको अवेलेबल हो जाता है ताकि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज आई वाली, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती रहे वो आपको फुल इसमें, जैसे आप एप्लीकेशन ऑन करोगे बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा गैजेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपना फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। और ये प्रॉपर एंड्रॉइड है, कुछ भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह हर एक चीज यहाँ पे इसके अंदर प्ले हो सकती है। और इसकी स्मूथनेस देखो कितनी ज्यादा यहाँ पे अच्छी आपको मिल जाती है। अब ये देखो पहले इसके जो सा फिनिशिंग थी इसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे, बिल्कुल हमने इसको प्रॉपरली साफ करके प्रॉपरली इसको न्यू बना के दिया, ये चेक करो आप खुद देख, इसमें कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसको भी हमने दोबारा जैसे हम कहते हैं किया हुआ एग्जैक्टली इसको नया में लुक दी है। आपको जब आपको पहला लुक मैं दिखाऊंगा वीडियो का उसमें भी आपको नजर आएगा, उसमें हल्के हल्के नहीं स्क्रैचेस पड़ देंगे। मैंने प्री वीडियो रिकॉर्ड की थी कि किस तरह सीट के और खराब थे, हाँ। आगे स्क्रैचेस पड़े हुए थे, ये वाली चीज पूरी मतलब ऑलमोस्ट खराब ही हुई थी, सारा खराब था, उसको हमने बिल्कुल नया बना दिया। एम्बियंट लाइट देख लो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे साइड के ऊपर। और भी इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, आप ये देखो साइड के जो से डोर है इसका लेदर वर्क चेक कर सकते हो, इसमें ग्लॉसी ब्लैक ये भी हमने लेदर नया लिया, ठीक है। हम देख रहे हो डोर के ऊपर सारी की सारी हमारी नई बनाई हुई है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक्सेसरीज में डील करते हैं, पर हम एक कार को अगर रीस्टोर भी करना है प्रॉपरली, हाँ। वो भी हम कर रहे हैं ना, पर रीस्टोर भी कर सकते हो पीयूष, उसको भी हम एक्सेसरीज, क्योंकि ये एक्सेसरीज ही है जो हमने इसमें फिट करी है। ओके ये देखो काफी अच्छा नीट काम यहाँ पे हुआ हुआ है, बहुत ही सुंदर काम हुआ हुआ है। किसी ने भी अगर तैयार कराना तो 10 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 15 दिन, वही डिपेंड करता है ठंड कितनी है, पेंट सूखने में बहुत ज्यादा टाइम, बिल्कुल। और भी इसमें अब देखो ये जो से इसको हम बोलते हैं छत बोलते हैं, ठीक है। आप इसे देख सकते हो प्रॉपरली बहुत ज्यादा खराब थी, हमने इसमें भी प्रॉपरली कपड़े का काम किया, अब देखो ओरिजिनली आपको लगेगा प्रॉपरली हमने इसको साफ किया, ठीक है। देखो प्रॉपरली हर एक चीज को मतलब एक तरह इसको बोलते हैं ड्राई क्लीन, हमने इसको बहुत अच्छी तरह किया, बहुत अच्छा ड्राई क्लीन, बिल्कुल नए जैसा लुक हो गया, कोई भी आपको मार्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं फोकस करके भी दिखा देता हूँ कि कितना अच्छी तरह इसको हमने फिलहाल साफ किया हुआ। और दूसरी बात इसमें जैसे हमने सीट कवर डाले हैं कस्टमर के लिए, जब हम तैयार करते हैं गाड़ी तो हम प्रॉपरली ऐसे ही तैयार करते हैं, इसमें हमने सीट कवर डाले ऑटो पंप के जो कंपनी की तरफ से फिटेड किए हुए 2015 मॉडल में, सेम वही डिजाइन है, सेम वही है। आप देख लो इस गाड़ी की सीट कवर थोड़ा खोल के दिखाया मैंने, लुकिंग देखो इसका प्रॉपरली हमने इसको कुशन करा हुआ है, बिल्कुल जैसे कंपनी की तरफ कोई देख नहीं जा सकता कितना कंफर्टेबल होगा, देखने में ही बहुत ज्यादा प्यारा। ऑटो पंप एक अपने आप में ब्रांड है, किसी ने ऑटो पंप अगर डलवाया भी है तो उसको ऑटो पंप के नाम से पता चल जाएगा भी अच्छी क्वालिटी का काम है, बिल्कुल जी। अगर इन चीजों की हम प्राइजेस की बात करें क्या होगा उसका क्या करना, प्राइजेस में वो डिपेंड करता है क्योंकि ऑटो पंप के जैसे सीट कवर है इसमें भी बहुत डिजाइन बहुत क्वालिटीज आती है, प्राइजेस ऐसे किसी को बताने लग पड़े तो आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्कुल शुरू हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या गाड़ी में करवाया हुआ है, इन्होंने कुछ काम कराया किसी और को कुछ काम, जैसे इन्होंने हमने स्पीकर चेंज किए हैं, हमने फ्रंट में मिड रेंज लगाए हैं DS18 के, पीछे फोकल की सीरीज लगाई है, ओके फोकल की भी हमने इंडिकेटर सीरीज लगाई है जो सबसे हैवी है, ओरिजिनल एम्पलीफायर है इसके अंदर, एक वूफर फिट किया हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं, बैक लुक दिखाते हैं प्रॉपर आपको जो 90 मैट्स इसमें 90 में आपको एक बेनिफिट मिलेगा जो
90 नॉर्मल होते हैं वो सीट के अंदर जाके कवर नहीं करते हैं, प्रॉपरली सीट के अंदर जाके इसका ग्रास मैट कवर करते हैं। ये देखिए अंदर तक इसका जो ग्रास मैट है वो आपको प्रॉपरली पीछे तक आप देख सकते हो यहाँ पे उसको कवर कर रहा है, और कितनी ही मतलब नीटली कवर किया हुआ है। एम्बिएंट लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही है, पीछे भी फुटरेस्ट में आती है। आप इसके सीट कवर का डिजाइन भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल, मैं ओपन तो नहीं करूंगा बिकॉज हम रात को प्रॉपरली एक छोटी सी वीडियो आपको जरूर देंगे। आप ये चीज देख सकते हो प्रॉपरली, इसमें नापा लेदर, ऑटो फॉर्म का ओरिजिनल पैटर्न है विद एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर्म कुशन, इसको हम जर्मन लेदर भी बोल सकते हैं। हमने वो वाला फिट किया, वो सबसे हैवी लेदर ही है ऑटो फॉर्म। बिल्कुल, इसी तरह अगर आपको भी अपनी गाड़ी तैयार करानी है, भैया का नंबर नीचे चल रहा है, एनी टाइम भी आओगे कोई भी आप कॉल कर सकते हैं। आप एम्बिएंट देख सकते हो उसका लेदर, इसमें भी हमने ग्लॉसी ब्लैक किया हुआ है, फिनिशिंग तीनों की देख सकते हो। एक ये जो लेदर लगा हुआ है प्लस जो ये वाली चीज है, ये सारी हमने किया हुआ है। एम्बिएंट लाइटिंग अंदर तक ही रखो, यहाँ पे भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। साइड से निकल के पीछे आ गया, पीछे की लुक दिखाने का टाइम आ गया गाड़ी की। पिछली लुक बिल्कुल ही हमने बिल्कुल चेंज कर दी है, इसका हमने ये बंपर वाला चेंज किया। ओके, इसकी प्रॉपर टेल लाइट हमने चेंज करी, लैंड क्रूजर की ये टॉप मॉडल में आती है। ओके, इसमें लैंड क्रूजर की हमने ये फिट की है, और ये फॉर्च्यूनर का क्रोम भी हमने लगाया। ठीक है, नहीं लगा क्रोम का, बिल्कुल प्रॉपरली चेंज करा हुआ है। आप बता, आप कह के वीडियो में देख नहीं सकते हो, ये 2015 में कन्वर्ट करी है। ओके, आपको पहले की लुक और इसमें लुक में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैट्रिक्स में हमने लगाया है, इसमें मैट्रिक्स से प्रॉपर हमने रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं हम इसको। ओके, हमने ये चेंज किया, बम्पर चेंज किया, टेल लाइट चेंज करी है, और पिछला सारा पेंट किया। ठीक है, कई गाड़ियों को ना एम्ब्लम वगैरह खराब हो जाते हैं, वो भी हमने चेंज किया। हाँ, बहुत बिल्कुल कर सकते हैं। ये जैसे खराब हो गया था ये भी हमने रिस्टोर करा हुआ। ओके, आप देख सकते हो जो सा हमने कैमरा लगाया उसमें जी, आपने प्रॉपर इसमें फिट किया जैसे कंपनी की तरफ से। बिल्कुल, कितनी अच्छी तरह इसकी फिटमेंट हुई है, बहुत अच्छी आपको उसकी फिटमेंट गाड़ी की मिल जाएगी। प्लस एक चीज आप नोट करोगे, जब गाड़ी को पीछे देखोगे नीचे भी गाड़ी की लाइट्स चल रही है, ये भी हमने लगाई है। ये भी हमने एम्बिएंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर भी 65 कलर्स हैं, चारों तरफ लगेंगे आगे पीछे और साइड्स पर। ये देखो प्रॉपरली 65 कलर्स हैं, या गाड़ी चलते भी चेंज हो सकती है। हाँ, रिमोट आपको अंदर ही सेंसर दिया है। ठीक है, इसके साथ फोन के साथ भी कनेक्ट है, और आपको स्पेशली एक रिमोट भी मिलेगा। ठीक है, टाइम है वीडियो को एंड करने का। आज की वीडियो का सच में जैसे हर बार बोलता हूँ, पर आज की सच में ज्यादा स्पेशल थी कि हमने ओवरऑल एक गाड़ी का आपको काम करके दिखाया है। प्रॉपरली एक फॉर्चुनर को हमने 2018 को 15 वाले मॉडल में तैयार किया हुआ है, और आप देख ही सकते हो मतलब कितनी प्यारी लुक इस गाड़ी की यहाँ पे निकल के आई है। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ एक्सेसरीज में डील करते हैं, पर देखो हमने ओवरऑल ही गाड़ी को चेंज कर दिया, पेंट हो गया, बम्पर हो गया, लाइट्स हो गई, सारा ही हमने। जिसके पास होता है, इसके पास स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, बोलो आपके पास कोई भी पुरानी गाड़ी है, आपको कुछ भी पूछना, कुछ भी इंक्वायरी करनी, कुछ भी चेंज कराना है, नई शेप में कन्वर्ट कराना, आप जब मर्जी हमें कॉल करके पूछ सकते हो कि आपको क्या इंक्वायरी चाहिए, क्या चेंज कराना है, वो भी बजट में। आपको बजट भी दूंगा अच्छे से, आपको सच में हैरानी होगी भी इतने बजट में मेरी नई गाड़ी मिल रही है, और क्या ही सही। बिल्कुल जी, तो आपको बहुत लोगों को शौक होता है कि पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी में कन्वर्ट करना, कुछ भी लोग सेल नहीं कर देंगे। हाँ, और फॉर्च्यूनर जैसी गली जल्दी नहीं सेल करते, क्योंकि ये जिनकी गाड़ी है मैं उनके साथ भी आपको एक बारी बात करवाऊंगा, क्योंकि जिनकी गाड़ी है उनके फादर की गाड़ी है ये, उन्होंने ये गाड़ी को प्रॉपरली तैयार करवाना था, तो उन्होंने बोला था इसी को ही मुझे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये मैंने सेल नहीं करनी है, तो इसलिए हमने गाड़ी को प्रॉपर 2015 में करना। ठीक है, बाकी प्राइजेस वगैरह के लिए स्पेशली आपको बताया कि भैया को कॉल ही करना पड़ेगा, ताकि आपको आपको बेस्ट प्राइस ही दिया जाएगा मार्केट से, सबसे प्राइस के साथ साथ आपको क्वालिटी भी बेस्ट और ओरिजिनल मिलेगी, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जैसे आपकी गाड़ी का कुछ भी ऐसा आपको कोई इन फ्यूचर कोई दिक्कत। मैंने भी पिछली गाड़ी अपने भैया से तैयार कराई है, रीजन यही रहता है कि अगर आप काम कराओ तो ब्रांडेड काम कराओ, अच्छा काम कराओ, उसी में भैया द्वारा डील करते हैं ना। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए यही वीडियो थी, अगर कोई भी डाउट है भैया का नंबर निकलता है बैक की कॉल कर सकते हो, भैया की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल मैप पे डायरेक्ट लिंक आप उसको फॉलो करके आ सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है जी, तो यही थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।